शहर के लिए 40 साल बाद नया डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। मंगलवार को शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के बचत भवन में नए डेवलपमेंट प्लान का ड्राफ्ट जारी कर दिया और अब नए डेवलपमेंट प्लान पर आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे। इसके लिए 30 दिन का समय दिया गया। शहरी विकास विभाग की ओर से अमृत योजना के तहत GIS के तहत यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। ड्राफ्ट की कॉपी TCP कार्यालय की ओर, नगर निगम कार्यालय के अलावा वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई जा रही है ताकि लोग इस नए डेवलपमेंट प्लान को पढ़ सकें। विभाग इसके लिए इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1979 के बाद शिमला का डेवलपमेंट प्लान आज तक नहीं बन पाया था। इतने वर्षों में इंटरिम डेवलपमेंट प्लान के आधार पर ही काम होता रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी अपने जजमेंट में जो है ये कमेंट किया था कि शिमला डेवलपमेंट प्लान बनाई जाए, और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में भी इस विषय में जो है वो एक रिट पिटीशन जो है वो लंबित है। हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के निर्देशक और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत जो है वो बधाई देता हूँ, जिन्होंने 40 वर्षों से जो काम नहीं हो पाया वो अब रिकॉर्ड टाइम में GIS बेस्ड डेवलपमेंट प्लान जो है वो ड्राफ्ट बना करके तैयार। ड्राफ्ट प्लान में ये तय किया गया है कि हम जो नॉन कोर एरिया है उसमें 3 मंजिलें प्लस पार्किंग प्लस हैबिटेबल एटिक, कोर एरिया में 2 मंजिलें पार्किंग प्लस हैबिटेबल एटिक, और इसी के साथ साथ 2002 में कुछ एरिया को ग्रीन एरिया द्वारा जो है डिक्लेयर कर दिया गया था। ऐसे ग्रीन एरिया जहां पर कंस्ट्रक्शन हो सकती है बिना पेड़ कोई काटे, वहां पर 1 मंजिल और हैबिटेबल एटिक ये हमने प्रस्तावित कर रखी है। पब्लिक डोमेन के लिए रखी गई है, ये विभाग की वेबसाइट पर भी है। विभाग के कार्यालय में जो निर्देशालय है वहाँ पर भी ये अवेलेबल रहेगी, और जो हमारा शिमला का टाउन प्लानिंग ऑफिस है वहाँ पर भी अवेलेबल रहेगी। शिमला नगर निगम के कार्यालय में भी अवेलेबल रहेगी। कुफरी, घनाटी और शोगी 3 साडा एरियाज हैं, वहाँ पर भी ये जो है वो अवेलेबल रहेगी। कोई भी व्यक्ति इस ड्राफ्ट प्लान पर अपने सुजेशन और अपने ऑब्जेक्शंस 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो लिखित में दे सकता है।